से यानी 17 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसके लिए पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे, राकंपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट तो वही नाना पटोले विपक्षी नेताओं की बैठक के लिए विधान भवन में दाखिल हुए। पर अभी तक विपक्ष का नेता कौन है, नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बात की जानकारी खुद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने देते हुए कहा कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो स्वीकार्य होगा। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक तूफानी हलचलों के बीच विधानमंडल के मॉनसून सत्र के तारीख का ऐलान कर दिया गया। महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से 4 अगस्त 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। हालांकि मंत्रिपरिषद विस्तार पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो सका है। राज्य में जारी राजनीतिक उठापटक को देखते हुए मॉनसून सत्र का हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। मॉनसून सत्र के लिए पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे, राकंपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट विपक्षी नेताओं की बैठक के लिए विधान भवन में दाखिल हुए। कल से राज्य का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अब तक विपक्ष का नेता कौन है? ऐसा लगता है कि माविया के घटक दल इस पर सहमत नहीं है। इस बात की जानकारी खुद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने दी कि नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष और एनसीपी नेता अजित पवार सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए हैं, इसलिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। इसलिए विधायकों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष पद पर दावा करेंगे। अशोक चव्हाण ने भी राय जताई है कि संख्या के हिसाब से ही यह पद कांग्रेस को मिलना चाहिए, साथ ही इसे लेकर जल्द ही माविया की बैठक भी होगी। अशोक चव्हाण ने भी उम्मीद जताई है कि इस पर फैसला लिया जाएगा, साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी वह स्वीकार्य होगा। बरेच मुद्दे आहेत, उद्यापासून अधिवेशन सुरू होते हैं, त्यामुळे आज अधिवेशनाच्या अगोदर नॉर्मली नेहमीप्रमाणे बैठका दोन्ही सत्ताधाऱ्यांची होती, विरोधकांची होती। आज आम्ही सर्व प्रमुख विरोधी पक्ष नेते आज या ठिकाणी आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनासंदर्भामध्ये विचारविनिमय होणारच आहे। राज्यामध्ये अनेक प्रश्न आहेत, कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न आहेत, महिलांवर अत्याचाराचे प्रश्न आहेत, पावसाला उशीर झाल्यामुळे झालेलं नुकसान हा एक प्रमुख मुद्दा बऱ्याच ठिकाणी राहणार आहे। पाऊस महाराष्ट्रामध्ये म्हणवता समाधानकारक अद्याप झालेला नाही आहे। मराठवाड्याचे विषय आहेत, मराठवाड्यामध्ये अनुशेष आणि मराठवाड्यातील प्रश्नासंदर्भात सुद्धा चर्चा होईल अशी अपेक्षा आहे।